अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं। और आज जो व्लॉग है वो है क्लिनिक पे, और मैं जा रही हूँ, इस टाइम में जा रही हूँ डिनर पे अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। और मैंने कहा क्यों ना आपको मैं आज सारा दिन जो क्लिनिक की है उसकी वीडियो भी दिखाऊं, और आपको पता चले कि कितनी क्लिनिक के बाद अब हम रेडी होके मैं जा रही हूँ। और मैं आपको आज अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरा ड्रेस है, देखे होंगे आप यकीनन। और ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, और ये जो रिंग पहनी हुई है ये बहुत चीप है, ये मैंने HM से ली थी। और इसके अलावा मैं ये वाला बैग, ये बैग लूंगी, तो मैं क्या आपको साथ दिखा दूं। तो मैं अब आपको अपना, तो जी कैसा लग रहा है आपको मेरा ड्रेस? अच्छा, इसके नीचे मैंने अभी ब्लैक पहननी है अपनी सैंडल, और फिर मैं इंशाल्लाह पूरी रेडी हूँ। और पूरी क्लीनिंग जो है वो आज करके मैं, अब समझे डीप क्लीनिंग की है, तो वो आपने अब जरूर देखनी है, पूरा व्लॉग देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। बहुत मेहनत से बना है क्योंकि बहुत मेहनत की है। खैर, क्लीनिंग तो मैं कर ही रही थी, फिर मैंने कहा आज डीप क्लीनिंग करती हूँ, साथ वीडियो भी बनवाती हूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने मस्ट करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और अब आप डीप क्लीनिंग भी देखिएगा, फिर उसके बाद लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो आप देख रहे हैं आज सारा दिन मैंने क्लीनिंग की है, फुल क्लीनिंग डे था। तो मैंने ये ट्रे यहाँ पे रखी है, ये चूल्हा साफ करके, ये देखें चूल्हा आप देख रहे हैं मैंने साफ कर लिया है। तो अब मैंने ये इसके ऊपर ये रखा है, इस टीपॉट रखी है, और ये मैंने जो बॉल ये था आपको याद है, आपने देखे होंगे, इसके अंदर मैंने कहा कि ये डालती हूँ ग्रीन टी के बैग। और देखें क्योंकि मेरा मेरा बेटा, हम लोग ग्रीन टी जरूर पीते हैं, दिन में एक दो दफ़ा तो जरूर ही पीते हैं। मैं तो खैर कभी 3 दफ़ा भी पी लेती हूँ, तो वो फिर ये देखें इस तरह। अब मैं ये रखूँगी इधर, तो चलें ये भी हो गया, अब किचन की क्लीनिंग हो गई है। अब पेंट्री थोड़ी सी रहेगी, वो क्लीन करती हूँ। आज सारी क्लीनिंग की है और मैं आपको दिखा रही हूँ। पेंट्री हमेशा ही हर रोज़ तकरीबन मेरी, मैं क्लीन करती हूँ, तो बस थोड़ी सी चीज़ें सेट करके और इससे मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। तो चलें इसको सही करके रखते हैं। अगर आप ऐसी बास्केट वगैरह ले लें तो ये बड़ी फ़ायदे में रहती हैं, क्योंकि आप चीज़ें होती हैं छोटी छोटी होती हैं, जैसे अब ये कप हो गए, अब देखें आराम से इसमें आ जाएंगे, ये देखें आराम से आ गए। चलें ये देखें ऐसे करके सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। ये देखिए ये जो अंदर बिस्किट वगैरह जो बच जाते हैं उसको फिर मैं इसी तरह डाल के स्टोरेज बैग में डाल देती हूँ, और फिर इसको जिप लॉक में डाल के और ऐसे रख देना। और ये देखें तो ये देखें पेंट्री मेरी सारी अब साफ हो गई है। तो ये तो आप हर कोई अपने घर में ज़रूर रखे, इसकी तो बहुत ज़रूरत होती है,
क्योंकि जैसे ब्लैक ड्रेस होते हैं खास तौर पे उनके लिए, जिस तरह के प्लेन कपड़े होते हैं उन पे कोई ना कोई बुर आ जाती है, तो ये तो बहुत अहम है, इसको ज़रूर रखें। और इसको मैं इसलिए यहाँ पे रखती हूँ ताकि ये मुझे जब भी मैं निकलूँ तो मुझे याद रहता है कि यहाँ से निकाल के फिर मैं ले अपने कपड़े वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। आपको एक सरप्राइज़ ज़रूर दिखाना है और मुझे बहुत ज़्यादा वो खुशी है, तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करती हूँ। अच्छा वो जी ये है टन, जी ये हमारी गोल्डन्स के एग हैं, गोल्डन के हैं, वाइट भी हमें देने लग गई है और माशाल्लाह से मोटी भी देने लग गई थी, जोलू रह गई है। तो एक रो हर रोज हमें 7 एग्स आ रहे हैं, ये देखें आप माशाल्लाह। तो ये वाइट वाले वाइट के हैं, लाइट वाले जरा लाइट वाली के हैं, मोटी के हैं, और बाकी गोल्डन जो है वो उसके डार्क हैं। तो चलें जी अब बाकी की जो काम रहता है वो करते हैं, तो देखें कैसा लगा। ये देखें कितना सारा गन किया हुआ इन्होंने, और ये मुझे बहुत प्यारी हैं, और मैंने आपको दिखाया है इनके अंडे भी आने लग गए, अब तो और नखरे कर रही हैं। ये देखें उफ, ये जूते पे भी। तो अब ये क्लीनिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आफ्टर क्लीनिंग। तो चलें ये आप देखें, ये सब मैंने यहाँ से क्लीन कर लिए, तो ये आ गई हैं फिर। तो खैर ये तो क्लीनिंग हो गई है, अब अंदर रह गया है बस मॉप लगाना और वो लगा के उसके बाद मेरी क्लीनिंग डन। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं अब कि घर हो गया है बिल्कुल साफ, देखें नीट आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें आज मैं बहुत थकी हुई थी, मैंने कहा कि नहीं आज मैं ना बस रेस्ट करूँगी, लेकिन मैं आपको पता है गंदे घर में बिल्कुल नहीं लगता, और हमें सफाई की इतनी आदत है ना, क्लीनिंग घर साफ ना हो तो यकीन करें दिल ही नहीं लगता। तो मैंने कहा क्यों ना अब आपको दिखा दूँ। अच्छा ये वाला पौधा तो ना इसको मैंने जान मार दी है, पर ये फ्रेश नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है इसको धूप वहाँ से आ रही है, अब मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं कि इस टाइम घर बिल्कुल नीट हो गया, और ये मेरे जूते भी पड़े हुए सामने, बस मैंने कहा कि आपको वीडियो दिखा दूँ जल्दी से। तो वो सामने जो हैं वो कपड़े हैंग करने वाले रह गए, बाकी सारा काम हमारा डन हो गया। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को मैंने कहा कि ज़रूर आपको मतलब अपने कपड़े भी चेंज करने चाहिए, जुम्मतुल मुबारक होता है, आपको भी बल्कि मुबारक हो। और मैंने कहा कि कौन से कपड़े पहने, तो आज ये वाले पहनते हैं, ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, तो चलें ये इस्त्री करके और इसको पहनते हैं, और इसके साथ पजामा जो है वो ट्राउज़र है, तो ये लॉन्ग ड्रेस है फुल, तो ये पहनते हैं।